कोई रिश्ता नहीं जिसने धोखा नहीं दिया। दोस्त, प्यार, सब पराए निकले। अब हर एक साजिश का, हमले का मैं लूंगी बदला। परी, परी। नहीं, पार्वती, पार्वती। राजीव परी को बचाने के लिए कूद जाएगा नदी में और यहाँ पर उसको समझ में नहीं आएगा कि परी को कैसे बचाऊं। भाई परी को तो ये लग गया था ना कि यहाँ पर नीति ने उसको सब कुछ सच बोला है। उसने कितनी गलतफहमी पैदा कर दी थी कि राजीव उससे प्यार नहीं करता है, राजीव उसको मारना चाहता है। परी, परी। नहीं, पार्वती, पार्वती। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसने धोखा नहीं दिया। दोस्त, प्यार, सब पराए निकले। अब हर एक साजिश का। यहाँ पर उसने वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी राजीव की आवाज की कि भाई मैं पसंद नहीं करता परी को और यहाँ पर मैं परी को मारना चाहता हूँ और परी को तुम जल्दी से मार दो और फिर हम शादी करेंगे। तो ये सारी चीजें गलत फहमी है ना परी के दिमाग में अब भर गई है। अगर अब परी जिंदा भी बचती है ना तो शायद वो राजीव के साथ नहीं रहे और राजीव से नफरत करने लगे। अब भाई हम देख ही रहे ना किस तरीके से यहाँ पर परी बच के आ गई है और यहाँ पर लेगी नीति और राजीव से बदला। अब भाई राजीव को तो पता नहीं है ना कि परी के दिमाग में इस तरीके की इन लोगों ने, नीति ने सारा षड्यंत्र रचा है। तो अब राजीव किस तरीके से कन्विंस करेगा तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब गिर जाएगा नदी में तो यह मगरमच्छ होगा और वो मगरमच्छ किसको खा जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि राकेश भी गिर गया है राजीव को बचाने। और यहाँ पर राकेश को नीति बोल देती है कि तू भी कूद जा और राजीव को बचा के ला, क्योंकि भाई इसमें बड़ा सा मगरमच्छ है और मैं नहीं चाहती कि परी भी बचे। यहाँ पर परी को भी तू मार के आना। और हम देख रहे हैं कि भाई जो मगरमच्छ है ना वो शायद राकेश को खा जाएगा और यहाँ पर राजीव और परी बच जाएंगे। लेकिन अब परी भाई राजीव के साथ नहीं रहेगी और परी ये सारी चीजें ना राजीव को बोलेगी भी कि तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरे से नफरत करते थे, मुझसे बोल देते, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाती, तुम्हें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर राजीव को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और राजीव को तो भाई पता ही नहीं है ना कि गुरविंदर, नीति और ये सारे लोग मिले हुए हैं और परी ने भी अभी तक बताया नहीं ना नीति का क्या सच है।